छोड़ दो मुझे, मेरे सिर पर चोट लग रही है। अरे आंखें फाड़ के मत देख, ये तेरे सवाल का जवाब है। लगने लगा है चारों तरफ से मुझ पर प्यार के तीर चल रहे हैं भाई। उन्हीं तीरों ने मुझे भी घायल कर दिया है। आइंदा मैडम जी के आसपास भी नजर मत आना। मेरा सिर चकरा रहा है। ओह, मेरा हेयर स्टाइल कहाँ चला गया? सुनिए, क्या किसी ने इसे देखा है? नहीं तो अब तेरा पार्सल बनाकर तुझे डीएलएक्स पर बेचता हूँ। शार्को, लगता है हेस्टा तो ही घूम गया और कहीं नहीं मिल रहा है। सभी आसमान छान मारूंगा, लेकिन मैडम जी का हेयर स्टाइल ढूंढ निकालूंगा। शार्को फिलहाल सर्चिंग मिशन पर है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए यार। यहाँ इन दोनों की स्टोरी कुछ और ही शेप ले रही है। इसे कहते हैं रब ने बना दी जोड़े। ओए, ये तो पूरा मान गई, मौका भी है दस्तूर भी, और मरीना मुझे करेगी लाइक भी। ओह, मेरा हेस्टा। जिद मत कर फालतू की जिद। सर्किट मेरी आंखों से कभी दूर मत होना। बोले तो मैं यही हूँ, मेरी सुना। मैडम जी डोंट वरी, आपका हेयर स्टार मिल जाएगा। ओसी के बच्चे तो फिर आ गया, तुझे फूल बनने का बहुत शौक है ना? रुक जा, तेरा ये शौक भी पूरा करता हूँ। पता नहीं ये हेयर स्टार कब मिलेगा। मेरी अनारकली को छोड़ दे, दूर हट जा यार, मेरे इलाके में आके मुझसे होशियार है। अभी तुझे भेजता हूँ पटना से पटियाला। जग, don't underestimate the power of common killer. बोले तो तुम मीठे मीठे अंगूर खा के मेरे लिए मीठी मीठी बातें कर रहा। जिसे ढूंढा मरीना ने गली गली, वो मुझे सर्किट के पास मिली। अब आएगा कहानी में असली मजा। सर्किट कुछ करो, वरना हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। इस मतलब दुनिया में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। सर्किट, तूने आग जला कर नहीं रखी, अब मुझे सब कुछ करना होगा।